अगर आप मुकाबला करें तो हिंदुस्तान में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और आज जब 2020 में हम खड़े हैं तो हमें नई चीज़ों की ज़रूरत है। अभी पिछले दिनों जैसे एक अभियान चला कि हम अपने देश को स्वच्छ करें, और उसमें हम आप सभी की सहभागिता से सफल भी रहे। आने वाले समय में हमारी ज़रूरतें, देश की ज़रूरतें भी बदलेंगी। मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि 75वें साल में हम जब मनाएं अपना स्वतंत्रता दिवस, तो हम सब अपने मन में कुछ लेके चलें कि हम 75वें साल में प्रवेश करेंगे तो हमने ये करा। किसी का शौक सफाई से जुड़ा हो सकता है, किसी का शौक वृक्षारोपण से, किसी का बच्चों को पढ़ाने से, किसी का गरीब महिलाओं की मदद करने से। सभी के अपने अपने मन में शौक होते हैं और समाज सेवा का एक नज़रिया होता है। तो जिस भी दिशा में हम काम करें तो उसे लेके हम चलें कि हम 75 वर्ष पूरे होने पे अपने देश को क्या समर्पित करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सरकारें अपना काम करती हैं, बहुत बार हम ये भी सोचते हैं कि सरकारें ये नहीं करें वो नहीं करें, लेकिन मैंने ये महसूस करा है कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी देश का हो, जब तक जनता की सहभागिता नहीं होती है तो वो फ्लॉप हो ही जाता है। चाहे वो टीकाकरण का प्रोग्राम हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम हो, चाहे वो स्वच्छता का प्रोग्राम हो, चाहे वृक्षारोपण का प्रोग्राम हो, चाहे अब जो एक नई हमारी पर्यावरण दूषित हो रहा है उसमें हम सभी मिलके लगे हुए हैं उसको सुधारने में, चाहे वो प्रोग्राम हो, तो जनता की सहभागिता और जनता के मन में एक बदलाव ज़रूरी है। जब तक जनता ये नहीं सोचेगी, हम और आप ये नहीं सोचेंगे कि हमें भी सरकार के साथ मिलके ये काम करना है, अपने देश के लिए ये काम करना है, तो तब तक देश में वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेंगे और देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप सभी जानते हैं कि हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी और लगभग 22-23 करोड़ हम यूपी वाले हैं। आज कोरोना का समय है, मुझे लगता है कि इस स्वतंत्रता दिवस हमारा यही उद्देश्य रहना चाहिए कि अगले स्वतंत्रता दिवस में हम स्वस्थ रूप में प्रवेश करें। तो आप सभी से निवेदन है कि कोरोना के लिए जितनी लोगों को समझा सकें, लोगों को बता सकें, जागृत कर सकें, उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत जगह देखने में आता है कि अभी भी लोगों को कोरोना से डर नहीं है। और दूसरी बात, समाज में बड़ी अफरा तफरी है, लोग कोरोना का टेस्ट करवाते हुए डरते हैं कि अगर पॉजिटिव आ गए तो क्या होगा। पॉजिटिव आ गए तो कुछ नहीं होना, जो पॉजिटिव हो गया उसमें तो एंटीबॉडी बन गई, वो और बहादुर हो जाता है। जो पॉजिटिव आ गया, एक महीना देना है समाज को, 14 दिन का क्वारंटाइन और फिर अपने घर में आइसोलेशन, यही समझाना है। उसके बाद वो व्यक्ति, उसका घर, उसके घर परिवार के लोग, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और कोई उसमें किसी से इन्फेक्शन इधर उधर जाने का खतरा नहीं रहता। तो मेरा यही निवेदन है कि कोरोना से हम बचाव करें, अपना भी, लोगों को भी जागृत करें, और अगर कोरोना हो जाए तो उस घर के लिए, उस घर परिवार के लोगों के लिए ये ना सोचें कि ये अभी अनटचेबल हो गए हैं। 15 दिन का परहेज, 15 दिन का आइसोलेशन ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल उसमें आ जाना है। तो पुनः आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और सब अपने अपने मन में, आप तो सब लोग इतना कुछ करते हैं कि मैं सीखती रहती हूँ, और प्रवीण जी हैं, भाई साहब हैं, डॉक्टर साहब भाई साहब हैं, राजकुमार जी और अपने डॉक्टर साहब हैं, ये सब लगे रहते हैं समाज के कार्य में, भाई साहब हैं पट्टी से, सभी लोग लगे रहते हैं, तो मैं तो आपसे सीखती रहती हूँ और मुझे एनर्जी मिलती रहती है कि कितने मनोभाव से ये लोग काम करते हैं सभी, चाहे जो भी आप काम देते हैं। और आपकी खासियत ये है, सभी की जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग मोदी नगर के स्पेशल लोग हैं। मेरे मन में आप सभी के लिए एक स्पेशल जगह है, और देखिए स्पेशल कोई किसी खास बात से नहीं होता, स्पेशल आदमी ये होता है कि अपने काम को कितनी निष्ठा से करता है और समाज के सामने दिखाता है। तो आप जो भी काम लेते हैं निष्ठा से करते हैं, पूरा करते हैं, और सारे समाज को लेके चलते हैं, सब लोगों को लेके चलते हैं। आपके यहाँ कभी मैंने कोई भेदभाव नहीं देखा कि ये छोटा ये बड़ा, सारे बराबर हैं। जो जितना बढ़ता चला जाता है वो उतना झुकता चला जा रहा है, जो आजकल हमें देखने को कम मिलता है तो वो आपके यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो आप हमेशा सभी मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और आगे रहेंगे। और आज मैं भी ये सोच रही थी कि कम प्रोग्राम होंगे, लेकिन जब प्रवीण जी ने फ़ोन कहा तो मैंने कहा भाई सब मैं आऊँगी, और उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय जय मातरम मातरम मातरम।
जय हिंद, जय भारत। बहन जी का राष्ट्र सेवा और क्रांतिकारी हमारे शहीदों के लिए शत शत वंदन करने का जो भी जज्बा था वो शब्दों के रूप में हमने सुना। राजेंद्र जी, स्टेशन मास्टर जी हमारे बीच में आए हैं, आइए, आपका हृदय से स्वागत है, आप आए, एक चेयर दे दो बेटे। तो बहन जी के जो शब्द हम सुन रहे थे वो उनकी सरल हृदय की एक आभा हमें देखने को मिली, कितना सरल व्यक्तित्व। और उस व्यक्तित्व के हमें दर्शन जब जब वो हमारे बीच आती हैं तब हमें मिलते हैं। दिनेश जी और हमारे मेहता जी, सोनू और जो भी टीम के जिन्होंने स्टेशन को बहुत सुंदर हरा भरा और तिरंगे से सुसज्जित कर दिया, महेश्वरी जी, भैया जी आप आगे आओ, आगे आओ, देखो बोलो, नवीन जी और पाराशर जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये देखो पटके से मनोज जैन और विष्णु भाई और सोनू, कहाँ पीछे घूम रहे हो? अरे पूरी टीम आ जाओ ना, पहल की क्या हो गया, सीधे भाग जाओ। हाँ, सब दौलत राम जी जो के ये बिल्कुल धुरी है इस दोनों टीमों के लिए, इतना कार्य करते हैं ये, सौर्थी है ये। नहीं बहन जी, हमारा आदेश चलेगा यहाँ तो बिल्कुल नहीं, आपको फ्री कर दिया, आप गाड़ी को उधर लगवाएं और हम इधर से यूं घूम के फाटक पे आपको छोड़ देंगे। ठीक है बहन जी को समय का अभाव देखते हुए, हाँ ये दोनों संगठन बहन जी का हृदय से स्वागत करते हुए और एक बार वंदे मातरम आपके मुखारविंद, वंदे 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 वंदे।